वेलकम टू शशि रूफटॉप गार्डन। शशि रूफटॉप गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है अगर आपके यहाँ कोई मिंट प्लांट लगा हुआ है या पुदीनों का प्लांट लगा हुआ है तो आप उसको कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या उसकी रूट्स काफ़ी फैल गई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं जिससे नई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या पुदीनों की पत्ती ऊपर से अच्छी उग नहीं रही, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा जो है करीब ये 2 साल पहले मैंने जो है प्लांट लगाया था पुदीने का, खाली जो है 5 या 10 रुपए की शायद मैं पुदीना लाया था और उसकी जो है लीव्स को यूज़ कर लिया था, और जो उसकी जो तने थे, जो छोटी जो स्टिक्स थी वो मैंने जो है उससे ये पुदीना मैंने ग्रो किया। और कितना ज़्यादा पुदीना मेरा ग्रो हुआ, कितना अच्छा ग्रो हुआ है, पूरा तसला भर गया था। और इस समय जो है ये क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसकी रूट्स बिल्कुल रूट्स बॉल पूरा भर गया है, इस वजह से अब इसको मुझे सही करना हो, सेट करना है। तो इसको देखिए मैंने कैसे इसको इस तसले से हटा दिया, और ये देखिए इसकी रूट्स देखिए, मैं जरा जूम करके दिखाऊँ, देखिए कितनी बड़ी, कितनी रूट्स से पूरी रूट्स की बिल्कुल बकेट बना ली है। अब इसको इसकी रूट्स को हटाना है जिससे मेरी ग्रोथ नई जड़ों की अच्छी ग्रोथ हो, और जो ये पुदीना मेरा अच्छे से, क्योंकि अब जो है गर्मी का सीजन भी आने वाला है, कल से 1 फरवरी भी लग जाएगी, तो मुझे इस सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए अब इसकी मैं सारी जो बड़ी बड़ी रूट्स हैं उसको पहले रिमूव कर दूंगा। देखिए करना क्या है, कैसे से हम देखिए कितनी कितनी भयंकर रूट्स बन गई हैं कि इसको तो आप भी समझ सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई हमारी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई। अब मैं इसकी रूट्स को बिल्कुल सही से हटा दूंगा, बिल्कुल एक एक रूट्स को हटा दूंगा, जो जितनी नीड होगी उतना रखूंगा, क्योंकि फिर दोबारा ऐसे ग्रोथ होगी और उससे जो है मेरा पुदीना भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि वो अब क्योंकि अब सीजन भी आ रहा है ठंड का, सॉरी गर्मी का सीजन भी आ रहा है, कल 1 जनवरी है, उससे बढ़िया अच्छे से अगर मैं इसकी केयर कर लूँगा तो मुझे जो है अच्छे अच्छे पुदीना मिलेगा जिसको मैं जो है ठंड में अच्छे गर्मी में अच्छे से यूज़ करूँगा। और गर्मी पुदीने के रेट वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, और घर पे पुदीने का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में लोग यूज़ कम करते हैं, लेकिन जैसे अब गर्मी स्टार्ट होगी पुदीने का यूज़ भर भर के होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका शेयर भी कर दूँ वीडियो आपका, क्योंकि मैं इसको जो है रिट्रांसप्लांट करना चाह रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और इसको जो है दिखा दूँ कि कैसे क्या है इसकी। देखिए मैंने क्या क्या जड़ी वगैरह सारी धीरे धीरे काट ली हैं अच्छे से। और पुदीने का तो आप जानते हैं कितना बेनिफिट्स होता है पुदीने को, अगर आप पियेंगे चाय में भी डाल सकते हैं, चाय में भी डाला जाता है, और वैसे भी पुदीना अगर पियेंगे तो हजमे के लिए कितना अच्छा होता है और कितना ठंडा पहुंचाता है, और गर्मी में तो इसके फायदे भी ढेर सारे, पुदीने की आप चटनी वगैरह खा सकते हैं, पुदीने का जो है पानी का भी बना के भी पी सकते हैं, और इसको जो जलजीरा में भी यूज़ किया सकता है, या अगर आप बताशे के शौकीन हैं तो अगर बाहर से मार्केट से अगर बताशा पानी भी लाएँ, तो अगर आपके यहाँ पुदीना है तो पुदीना पीस के उसमें मिला दे पानी में, तो उसका फ्लेवर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा पुदीने वो लोग डालते नहीं हैं हम पुदीने जो जो है बताशे वाले, तो अगर आप वैसे भी करें तो पानी पूरी के लिए बढ़िया यूज़ होता है। देखिए मैंने जो है इसकी जड़ें ऐसे करके लगभग लगभग इसकी जो है लगभग 80% से ज़्यादा, लगभग 90% जड़ें हटा दूंगा, इसमें खाली उतना ही रखूंगा जितने में ये पुरानी ग्रोथ नई ग्रोथ फिर से कर सके। इस बात को ख्याल रखते हुए इसकी सारी देखिए जड़ें कैसे हटानी है, एक एक करके ये खुरपी की सहायता से मैं धीरे 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 सारी जड़ें को हटा देता हूँ, खाली उतनी रखूंगा, और बाकी मैं इस पुदीने को फेंक दूंगा या फिर जो मेरे पास बचेगा उसको किसी को दे दूंगा, वैसे मैं फेंक ही दूंगा अगर ये चीज़ ध्यान देती वाली। इसको देखिए खुरपी की सहायता बहुत मुश्किल से मुझे ये जड़ें निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है, इसको मैं अभी और छोटा कर दूंगा, उतना ही रखूंगा जिससे इसकी ग्रोथ आएगी तो फिर वो अपने फैल जाएगी, इस हिसाब से मैं इसको जो है करके रखूंगा। ये देखिए कितनी भयंकर भयंकर जड़ें हैं इसको, क्योंकि और पुदीना अगर आप लगाते भी तो ध्यान कीजिए, पुदीना को लगाना बिल्कुल आसान, मैंने पुदीने को कैसे लगाते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को भी शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पूरे अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें ढेर सारे टिप्स दूंगा जिससे आप पुदीने को आसानी से लगा सकते हैं। हम पुदीना अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो पुदीना लगाना बहुत ही आसान है, आप मार्केट से जब पुदीना लाइए तो उसकी जो स्टिक बचती है पत्तियाँ तोड़ लीजिए, और उसको किसी जो है एक गमले वगैरह में लगा दीजिए, छोटे से बर्तन में लगा दीजिए, और 15-20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक जो है जब वो जड़ें दे देगा तो उसको किसी उसमें रिपोर्ट कर दीजिए, या फिर हमारा जो वीडियो मैंने वीडियो बनाया हुआ उससे देख लीजिए, तो
तो आपको अच्छे से जानकारी पूरी मिल जाएगी। वो वीडियो मेरा जो है प्लेलिस्ट में है, उससे भी देख सकते। देखिए कितनी भयंकर रूट्स हैं, इसको हटाने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही, लेकिन मुझे इसको छोटा करके जो है अच्छे से सेट करना है इस गमले में, कि मुझे जो है अगले महीने से जो है मुझे इसमें अच्छी अच्छी जो है पुदीना चाहिए, बड़े बड़े पुदीने चाहिए। तो इसके हटा देता हूँ और बिल्कुल छोटा कर दूंगा, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा जितना भी मुझे लग रहा है बिल्कुल इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, जड़ से जड़ की पूरी प्रूनिंग कर दूँ, ऊपर भी प्रूनिंग कर दूंगा कि मेरी नई नई रूट्स ये डेवलप हुए और नए नए तना निकले और जिसमें नई नई लीव्स वगैरह भी निकले। इस बात का ध्यान करते हुए मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटा करके अच्छे से इसको जो है कर दूंगा। देखिए ये देखिए कितना मैंने छोटा करते रहा, ये देखिए। ऐसे आपको भी अगर आपके भी पुदीना अगर ऐसे फैल रहा है तो उसको करके, अब देखिए मैंने कितना छोटा कर दिया। अब मैं इसके जो है ये जो मेरी बकेट है छोटा सा जो मेरा जो है तसला है, इसमें हमें मिट्टी को पहले भर दूंगा और इसमें थोड़ी मिट्टी के साथ साथ जो है इसमें थोड़ी खाद वगैरह भी मिला दूंगा, क्योंकि जो है अगर इसमें हम खाद मिला देंगे तो ये पूरा सीजन मेरा अच्छे से चलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और पुदीने में आप ये अगर पुदीना यूज़ करते हैं तो दो तीन चीज़ें बात हो, इसमें अगर आपको कहीं बोन मील मिल जाए तो वो डाल दीजिए, बोन मील ना हो तो पत्थर वगैरह अगर हो तो उसको भी पिसा हुआ पत्थर चूरा आता है वो भी डाल सकते हैं, जिससे इसकी जो है स्टेम वगैरह बड़े अच्छे रहें। और स्टेम अच्छे के कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जो है मार्केट से चूना लीजिए और चूने का पानी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा चूने का पानी डालिए, जिससे जो है इसको कैल्शियम की कमी कभी ना यूज़ हो, कभी ना मिस यूज, कैल्शियम की कमी जो है दूर हो जाएगी और जो है इससे इसकी स्टेम भी बड़ी अच्छी उगेगी। देखिए मैंने इसके साथ जो है थोड़ी सी जो है इसमें नीम खली भी मिला दी है एक मुट्ठी के करीब करीब 200 ग्राम के करीब, और देखिए उसके साथ ही मैंने वर्मी कंपोस्ट भी मिला दिया है। अब ये दोनों तीनों चीज़ें मिला के अच्छे से मिला के अब इसको मैं इसी में पुदीना लगा दूँ। अब ये मेरी मिट्टी भी अच्छे से रिचार्ज हो गई है जो पूरे सीजन मुझे देगा। और अगर वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी ना कि बड़ा हार्डी प्लांट होता है पुदीना, लेकिन अगर कहीं हमको लगता भी है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी तो इसमें लिक्विड खाद वगैरह दे दूँगा वर्मी कंपोस्ट की, तो इससे जो है ये आराम से ग्रोथ होगा। और वैसे आपने देखा ही इसकी जड़ें कितनी भयंकर हुई थी और कितना अच्छा ये ग्रो हुआ था मेरे इस गमले में। और ध्यान रखिए कि पुदीना को अगर आप लगाते हैं तो ऐसे ही तसले में लगाइए, ज़्यादा गहराने की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। इस चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान करके ही अपने पुदीने के प्लांट को लगाइए। और जो है ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पुदीना की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी और ज़्यादा डिप बर्तन को लेने की आवश्यकता ही नहीं इसमें। तो ऐसे ही तसला या जो जिसके जो है डायमीटर चौड़ा हो उसी पे पुदीना लगाएंगे। और पुदीना को कभी भी किसी दूसरे भी प्लांट के साथ कभी मत लगाइए, क्योंकि पुदीना की जड़ें आपने देखी कितनी भयंकर वो करती है, ये किसी और को बढ़ने भी नहीं देता, ये खाली अपनी ही ग्रोथ करता है। तो इसलिए इसको जब भी लगाएं तो पुदीने के प्लांट को सिंगल ही लगाइए, वरना ये दूसरे की पौष्टिक आहार भी खुद ले लेगा और दूसरे को बढ़ने का मौका भी नहीं देगा। तो ये बड़ा एक खतरनाक प्लांट है, इसलिए इसको जो है अकेले से ही लगाइए और किसी के प्लांट के साथ कभी मत लगाइए, क्योंकि आपने इसकी रूट्स अभी देखी होंगी कितनी भयंकर रूट्स हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये देखिए मैंने ऊपर से जितनी जितनी मुझे लगेगा प्रूनिंग करना है मैं मैक्सिमम प्रूनिंग कर दूंगी, जैसे हेयर कटिंग करते हैं वैसे ही इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दूंगा कि मेरा पुदीना इसके बाद में अब इसके बाद जब नई अपडेट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा ग्रो कर गया है पुदीने, पूरे 15 दिन बाद इसकी नई नई लीव्स वगैरह उगाएगी। इसलिए मैं इन सबको जो एक्स्ट्रा है पूरी जड़ें वगैरह हटा दूंगा, नाम मात्र की ही जो है इसमें जड़ें रखूंगा, उतना रखूंगा जिससे ये खाली ग्रो हो जाए, बाकी जो है इसकी लगभग लगभग 90% तक मैं जड़ें वगैरह हटा दूंगा और इसको बहुत छोटा कर दूंगा। ये देखिए अब इसको देखिए कितना बड़ा था और मैंने जो काट के इतना छोटे जड़े भी बहुत कम कर दी हैं। अब इसको बस ऐसे ही मैं लगा दूंगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप जो है जैसे था वही आकार में दोबारा फिर हो जाए। ये देखिए बिल्कुल जरा से बचा है, अब मैं इतना ही लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा कि अब वो फिर अपने आप वो अपने सेट कर लेगा और उसके बाद अपने आप जो है इसकी ग्रोथ होती रहेगी और मुझे बार बार इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी, बड़ा हार्डी प्लांट होता है। अब इसको मैं एक बार इसमें देखिए उसके बाद में मिट्टी इस पर जो फिल कर देता हूँ और जो ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा, जितनी मिट्टी पहले थी उतनी डाल दूंगा और जितनी एक्स्ट्रा जो है जो चीज़ें थी जो वेस्ट हो रही थी बेकार थी वो मैंने जो है जड़े वगैरह हटा दी हैं। ऊपर से प्रूनिंग भी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रूनिंग कर दी, जैसे हेयर कट करते हैं वैसे प्रूनिंग कर दी।
अब ये जो है अब हमारे जो है अब फरवरी से मार्च फरवरी से पूरे गर्मी भर मुझे अच्छे अच्छे पुदीना देगा और मैं मुझे भी देगा और मेरे पूरे परिवार में यूज़ होता रहेगा। आसपास भी कोई मांगने आ जाए तो उसको भी दे देता हूँ। ऐसे अगर आप जो है 10 रुपये का 5 रुपये पुदीना ला के अगर अपने घर पे लगा लेंगे ऐसे जो है अपना यूज़ करके उसकी पत्तियाँ हटा के अगर उसके लगा देंगे तो आपके घर पे पुदीना होता रहेगा। और ये मैंने 2-3 साल पहले लगाया तब से बढ़िया आराम से चल रहा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी लगा लेंगे तो बड़ी अच्छा रहेगा और आपकी पुदीना की नीड हमेशा जो आपके इससे 1000 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि जो है पुदीना 10-15 रुपये इसका मैं वो जब मार्केट में ठंडक आती तो पुदीना और भी महंगा हो जाता है। इसको किसी भी चीज़ में पानी पूरी या किसी चटनी वगैरह बना के सर्व, इसमें आम का भी सीजन आने वाला है तो आम के साथ आम के पुदीने की चटनी तो कितनी स्वादिष्ट बनती, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो पुदीना तो घर के लिए और किचन गार्डन किचन के लिए तो बड़ा ही मस्ट है, सबसे ज़्यादा पुदीना ही यूज़ होता है। अगर किचन वगैरह में देखा है तो पुदीना है, टमाटर, ये चीज़ें। और मैंने ऐसे कई वीडियो भी बनाए हुए हैं जो घर के लिए बहुत ज़रूरी, घर के किचन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ। आपके मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस बात को ध्यान, देखिए मैंने मेरे पूरा जो है पुदीने का जो है प्लांट जो है रिपोर्टिंग कर दिया है और देखिए नीचे से पानी भी निकलने लगा है। ऐसे ही मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। शशि रूफटॉप गार्डन, शशि रूफटॉप गार्डन देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।